हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हमारे पास ये एक वाशिंग मशीन आई है। इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें पानी नहीं रुक रहा है। हम जैसे इसमें पानी भरते हैं तो हमारा पानी हाथों हाथ नीचे से निकल जाता है। तो देखते हैं हम इसमें क्या प्रॉब्लम है और बताते हैं आपको। तो चलो अब हम इसमें पानी भरते हैं और चेक कराते हैं आपको कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए गाइस, हमने इसमें पानी का डाल दिया है पाइप। अब हम इसमें पानी भरते हैं। ये टंकी हमने इसकी ऑन कर दी है। ये देख सकते हैं आप, हमारा पानी इसमें जा रहा है और ये डायरेक्ट हमारा, ये देख सकते हैं आप, ये इसमें से लीकेज कर रहा है, इसमें से निकल रहा है। और आप इधर देख सकते हैं, पाइप में से भी हमारा डायरेक्ट पानी निकल रहा है, ये देखिए। तो अगर ये कंडीशन आपके सामने आए तो आपको क्या करना है, मशीन का बैक कवर आपको खोल लेना है। खोलने के बाद आपका ये जो ड्रेन वाल होता है, ये देखिए आप, इसका ड्रेन स्विच है, ये ड्रेन स्विच है। अभी आप नीचे देखिए, इसके एक वाल लगा हुआ है जिसमें हमारी वाइट कलर की डोरी लग रही है। सिर्फ आपको इसको चेक करना है कि हमारी डोरी लूज तो नहीं है, लूज है या फिर हार्ड है, टाइट तो नहीं हो रही, ये चीज़ें आपको देखना है। तो हमारी डोरी भी सही है, हमारा स्विच भी सही है, दोनों चीज़ हमने चेक कर ली सही है, मगर फिर भी हमारा पानी निकल रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले ये डोरी जो है इसको खोलना है। ये इसमें किसी भी तरीके का लॉक लगे हुए होते हैं, ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है इसमें पाइप। तो आप सबसे पहले आप इसे निकाल लीजिए, ये देखिए हमने निकाल लिया है। इसे निकालने के बाद इसमें साइड में एक पेंच लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमें इसे पेंच को खोलना है। ये हर मशीन में नहीं होता पेंच, किसी किसी मशीन में होता है। इस पेंच को आपको खोलना है, उसके बाद ही हमारा इसका ऊपर का कवर खुलेगा। तो आपको ये सबसे पहले इसका पेंच खोल लिया है, देखिए आप, हमने इसका पेंच खोल लिया है। अब हम इसे आराम से इसका ऊपर से कवर उतारते हैं। ये देखिए हमने इसका कवर उतार लिया। अब इसकी आप कंडीशन देखिए। तो ये दोस्तों, ये देखिए, इसमें गंदगी के कारण हमारा ड्रेन वाल जो है वो ब्लॉक हो गया है, जिस कारण हमारा पानी आधा निकल रहा है, आधा रुक रहा है, कंटिन्यू हमारा पानी इसमें ऊपर से निकल रहा है। तो अब हमें इसे क्या करना है, हमें सबसे पहले इसका स्प्रिंग निकाल लेना है, उसके बाद हम ये इसका वाल निकालते हैं पूरा बाहर और आपको दिखाते हैं इसकी कंडीशन क्या है। ये देख सकते हैं आप, इसमें कितनी गंदगी है। ये देखिए हमारा वाल तो बिल्कुल सही है, इसे आप चेक कर लें, नीचे से कटा हुआ ना हो बिल्कुल। ये देखिए हमारा वाल बिल्कुल सही है, बस हमें इसे धो के साफ करके इसे दोबारा लगा देना है सही कंडीशन से, फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब हम इसे धोते हैं। धोने के बाद इसे बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से हमने खोला है, सेम उसी तरीके से आपको लगाना है, ज़रा सी भी कोई चीक ना हो। और किसी भी सहायता से इसमें जो गंदगी हो, पेचकस हो या कोई ब्रश वगैरह हो, आपको उस तरीके से आप अच्छी तरह इसे साफ़ कर लीजिए, कोई कमी ना रहे इसमें, गंदगी बिल्कुल आप बाहर निकाल दीजिए। थोड़ा सा आप पीछे से पानी चला लें जो आप इसे साफ़ करते रहें, और इसकी गंदगी आपकी ड्रेन पाइप में डायरेक्ट निकलती रहे। ये देखिए हमने पाइप पानी चला दिया है इसमें, और इसे हम अंदर जो थोड़ा सा गंदगी है उसे साफ़ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप कोई भी, इसमें कोई भी दिक्कत हो, आपकी पानी नहीं आ रहा या पानी नहीं निकल रहा, तो आपको सिर्फ यही प्रॉब्लम होती है इसमें, आपको उसका ड्रेन वाल्व खोलना है, उसे साफ़ करके आपको उसे लगा देना है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये देखिए इसमें अंदर कितना कचरा है, इस कचरे को हम अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं पहले। इसे साफ़ करने के बाद आप अगर थोड़ा सा इस पर ऑयल लगा दें, किसी भी तरीके का ऑयल लगा दें तो बहुत अच्छी बात है, ना लगाए तो भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। ये चीज़ आप खुद अपने घर पे खुद कर सकते हैं, किसी टेक्नीशियन को या मैकेनिक को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ये काम आप खुद कर सकते हैं। देखिए आप, ये सिर्फ़ ये गंदगी होती है सिर्फ, जो जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है, जो हमारी वाशिंग मशीन में गंदगी होती है, जैसे कभी कभी हम इसकी सर्विस कराए हुए हमें सालों हो जाते हैं, महीनों हो जाते हैं, तो हमारी गंदगी कंटिन्यू इसमें रुकी रहती है, उस वजह से हमारे ड्रेन में प्रॉब्लम आ जाती है कि पानी नहीं निकल रहा, या तो निकल रहा है, दोनों में से एक प्रॉब्लम आती है, तो पानी निकलता है या पानी नहीं निकलता। प्रॉब्लम हमारी सिर्फ ड्रेन की होती है, इसी पाइप की होती है, हमें यही खोलना है और यही हमें यही चीज़ करनी है, हमारी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलो अब हम इसे अच्छी तरह धो के इसे लगाते हैं और फिर आपको चेक कराते हैं कि देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई। ये देखिए इसमें गंदगी, अच्छी तरह साफ़ करना है दोस्तों इसे, कोई भी इसमें गंदगी ना रहे, वरना तो हमारी सेम वही कंडीशन में वही प्रॉब्लम रहेगी। ये देखिए हम इसे अच्छी तरह साफ़ कर रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। ये देख सकते हैं थोड़ी सी गंदगी और रह गई, हम इसे साफ़ कर दिया है हमने बिल्कुल। अब ये देखिए हमने ड्रेन वाल बिल्कुल धो के साफ़ कर दिया है, अब हम इसे लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, सेम जैसे हमने निकाला था सेम हमने वैसे ही ड्रेन वाले इसमें रखा है,
और हाथों से अंगूठों से चारों तरफ से सेट कर दें। ये देखिए हमने सब तरफ से सेट कर दिया है। इसे सेट करने के बाद हम इसमें स्प्रिंग डालेंगे। सबसे पहले इसमें स्प्रिंग डलता है, थोड़ा सा स्प्रिंग हाथ से अपना खींच लेना है। ये देखिए हमने इसमें स्प्रिंग डाला है। स्प्रिंग डालने के बाद हमें ढक्कन लेना है इसका ऊपर का कवर, ये इसे आराम से लगाना है। सेट होने में टाइम लगता है थोड़ा, इसे देख लें आप। ये देखिए इसे लगा के इसमें हल्का सा लॉक होता है, साइड में लॉक करने के बाद पेच लगता है बस। इसमें इस चूड़ी नहीं होती इसमें लॉक में। ये देखिए हल्का सा साइड में प्रेस करा, ये देखिए गाइस एक हाथ से वीडियो बननी है, एक हाथ से ये हो रहा है तो थोड़ा लगाने में हो रही है, वरना तो बहुत इजी लग जाता है। ये देखिए ये लग गया है बिल्कुल। लगने के बाद हम इसमें पेच लगाते हैं। पेच लगाने के बाद इसे सेम इसी तरीके से अच्छी तरह टाइट करते हैं पेच को, पेच लूज ना रहे बिल्कुल भी इसका। ये देखिए जैसे हमने खोला था सेम वही तरीके से आपको लगाना है। बस आपको ही खोलते समय ये याद रखना है कि हमने जैसे खोला था हमें सारी चीज़ें वैसे ही सेम लगानी है। ये देखिए हमने इसका पेच टाइट कर दिया है। अभी इसका जो फीता है ड्रेन वाल का, इसे एक दो दफ़ा ऊपर उठा के देख लें आप, बिल्कुल ओके चल रहा है हमारा। ये फीता थोड़ा सा प्लास से किसी चीज़ से सीधा करके ये ऊपर वाले में लगा के, अब इसका मुंह थोड़ा सा आप प्लास से ऊपर कर दें या हाथ से कर दें, जैसे भी आप कर सकें जहाँ से आपको सहूलियत हो। ये देखिए इसे बिल्कुल ठीक हमने उसे ऊपर कर दिया है। अब यह हमारा काम बिल्कुल कम्प्लीट हो गया है। अब हम पानी भर के आपको चेक कराते हैं कि हमारा पानी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ये देखिए दोस्तों अब हम इसमें ये देखिए चेक करते हैं हमारा बिल्कुल फित्ता सही लगा है या नहीं। इसका जो ड्रेन का स्विच होता है उसे आपको दबा के बार बार ये चेक करना है कि हमारा ये ड्रेन वाल ऊपर उठ रहा है या नहीं उठ रहा है स्विच से, बस आपको ये चीज़ चेक करना है। ये देखिए हमारा कितना आसानी से ये देखिए उठ रहा है, देख रहे हैं आप वीडियो में। बस आपको ये चेक करना है कि हमारा स्विच से ड्रेन वाल ऊपर उठ रहा है या नहीं घुमाने से। उसके बाद सिर्फ आपको पानी भरना है, इसमें पानी भर के हम चेक करते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये देखिए हम टंकी को ऑन करते हैं, ये हमने टंकी ऑन कर दी है, हमारा इसमें पानी आने लगा है। अब हम यहाँ देखते हैं हमारा पहले टंकी ऑन करते ही पानी निकलना शुरू हो गया था। ये देखिए हमारा कोई पानी नहीं निकल रहा है इसमें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, धन्यवाद, आदाब, शब्बा है।